कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताया था और बीजेपी के खिलाफ भी टिप्पणी की थी। अब इसी मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। आज भारत के केंद्रीय गृह मंत्री भूपेंद्र यादव, अनिल बलूनी और तरुण चुग इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले को लेकर भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चुनाव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक विषय को लेकर के आज चुनाव आयोग को मैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारी पार्टी के मीडिया के प्रभारी राज्यसभा के सांसद श्री अनिल बलूनी जी और हमारी पार्टी के इलेक्शन कमेटी के पूरे इंचार्ज जो हमारे इलेक्शन कमीशन के विषयों को देखते हैं श्री ओम पाठक जी के साथ चुनाव आयोग को इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर लेकर मिले हैं। सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने इस देश में नेगेटिव राजनीति को करने का काम किया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत की जनता के मन में जिनके लिए श्रद्धा है, उनके बारे में जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं वो जानबूझकर किए। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है और बार बार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से उनके जीवन के आयु के प्रति, उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिगत मर्यादा की राजनीति का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से हताशा पे आ गई है और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अब इस चुनाव को एक तरीके से वैमनस्य में बदलने लगी, लोगों को भड़काने में लगी हुई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो कितना ही गंदी भाषा का प्रयोग करें, वो कितना ही लोगों को भड़काने का प्रयोग करें, वो प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग करें, देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरा विश्वास, आदर और समर्थन का भाव रखती है। अभी मिलके आया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बार बार लोकतांत्रिक भाषा की बजाय अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इससे पहले मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये इन्होंने ही बोला था और गुजरात चुनाव में भी इन्होंने अपशब्द बोला था, 10 सर वाला रावण। इसलिए इन पर कठोर कार्रवाई हो, हमने उनसे निवेदन किया है कि धारा 409 और 500 आईपीसी के अंतर्गत इन पर पर्चा भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन की धारा 3.8 और 4.3.1 के अंतर्गत जो चुनाव आचार संहिता के नियम है उनके अनुसार भी इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। आप देखिए मोदी तेरी कब्र खुदेगी देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये बोल रहे हैं, इससे पहले गुजरात चुनाव में ये क्या बोले। ये आदतन असल में ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए चमचागिरी की प्रकाष्ठा कर रहे हैं कि हमारे आका महारानी और युवराज खुश हो जाएं और उनको खुश करने के लिए ये वैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इसका जवाब दे।
आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि गलती मत कीजिए, मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अगर आप कहते हैं वह जहरीले नहीं हैं, तो छूकर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छुएंगे तो मर जाएंगे। खड़गे ने कहा कि अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जहर नहीं है क्योंकि मोदी ने इसे दिया है, सज्जन प्रधानमंत्री ने दिया है, तो इसे चाट कर देखिए। अगर आप इस जहर को चाटेंगे तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए